देशवासीको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सम्बोधन। ओमिक्रोन मुकाबिला पई कले दुईटी बड़ घोषणा। देशरे 15 रु 18 वर्ष मध्यरे पिलांको पई आरंभ हेबो टीकाकरण। 2022 जनवरी 3 रु एही वर्गर पिलांको दियाजिबो टीका। एथिपई सरकारी स्तररे सबु प्रकारर प्रस्तुति शेष होईछि। पिलांको टीकाकरण नै प्रधानमन्त्री कहिछन्ति एहा देशर लढैकु आहुरी अधिक मजबूत करिबो। स्कूल कॉलेज जाउथवा छात्र छात्री एवं सेमानंक पितामातांक चिंता दूर हेबो। हमारे वैक्सीनेशन को आज जब 11 महीने पूरे हो चुके हैं तो सारी चीजों का वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया है और विश्व भर के अनुभवों को देखते हुए आज कुछ निर्णय लिए गए हैं। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हैं हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। सेहीपरी स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर को पाई बूस्टर डोज रो घोषणा करिछंती प्रधानमंत्री। जनवरी 10 रु तृतीय डोज बा प्रिकॉशन डोज आरंभ हेबो। वयस्क ओ अन्य रोग थिबा लोक माने डाक्टर को परामर्श क्रमे तृतीय डोज नै परिबे। या सब प्रधानमंत्री कहिछंती देशर नागरिक को सामूहिक प्रयास ओ इच्छा शक्ति जगु आज भारत 141 कोटी टीकाकरण लक्ष्य हासिल करिछि। देशरे ओमिक्रोन संक्रमण बढ़ुले यार मुकाबला पई सरकार प्रस्तुत अछंती। समस्तंकु ओमिक्रोन वेरिएंट प्रति सतर्क रहिबा सह भयभीत न होई मास्क व्यवहार सह कोविड गाइडलाइन पालन करबाकु देशवासीकु परामर्श दैछंती। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर के सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। देशरे एजाए 141 कोटी डोज टीकाकरण होइतबा कहिसंती प्रधानमंत्री। खूब शीघ्र नाजल वैक्सीन एवं डीएनए वैक्सीन मध्य आरंभ हेबो। तेबे केवल सचेतन रहिले ही एही महामारी विपदरु मुक्ति मिलि परिबो बोली देशवासी को कहिसंती प्रधानमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।